मैं तुम्हें कैटेगरी वाइज बताऊंगा कौन से गैजेट्स में अपने शूट के लिए यूज करता हूँ, कौन से गैजेट स्टोरेज के लिए, कौन सी चीजें हैं मेरे पास जिनसे मैं गेम खेल सकता हूँ, और कौन सी चीजें हैं जो मैं इंडोर वीडियो बनाता हूँ तो लाइटिंग के लिए यूज करता हूँ। निकोन का लेंस है ये, निकोन का D5600। दूसरा आता है आईफोन खुद नथिंग टू, डबल माइक है ये, इनकी रेंज जो है 20 मीटर के समथिंग। गेमिंग लैपटॉप है भैया हमारे पास में Dell G15, Toshiba 1TB। भाई PC कंट्रोलर ये रहे। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। कांड हो गया भाई, कांड हो गया। एक्चुअली कांड नहीं हुआ, बात ये हो गई भैया कि सुबह आज संडे, तो सुबह से मैंने ना एक ब्लॉग प्लान किया था कि मैं और दीपक, मेरा जो कैमरा है उसको लेके, बारिश का सीज़न है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने चलते हैं। जैसा कि जो लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं और जो मुझे इंस्टा पे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी करता था, मतलब एक्चुअली अभी भी करता हूँ, बट जैसे जैसे टाइम मिल जाए या फिर कुछ दिख जाए तो। वीडियोग्राफी की वजह से फोटोग्राफी इतनी अच्छी हो नहीं पाती है, तो हमने सोचा था कि भैया कि हम क्यों ना बैग उठाएं और बाइक लेके या स्कूटी लेके इधर उधर निकल जाएं, कहीं भी रेंडम लोगों के या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर नेचुरल जो भी फोटोग्राफ्स हम क्लिक कर सकते हैं उनको करते हैं और लोगों को बताते हैं। मतलब जैसे ब्लॉग में एड कर देता हमें कि भैया क्या खींचा हमने आज, क्या बनाया, तो उसका था। बट एक्चुअली क्या हो चुका है ना, कोमल दीदी तो ले गई स्कूटी, मम्मी और कोमल दीदी तो थी नहीं यहाँ पे, मेरे को रुकना पड़ा, लक्की भाई पढ़ा रहे थे और कूलर खराब हो गया था, ये लक्की वाला जो कूलर है ना, तो वो भैया आ गए थे और हमें फिर कुंदनपुर जाना था, तो मैंने सोचा जल्दी जाएंगे, उसकी वजह से जा नहीं पाए। अब हम कुंदनपुर जा रहे हैं और आगे क्या होता है ब्लॉग में चलो देखते हैं। तो भैया अब हम निकल रहे हैं कुंदनपुर के लिए, शादी में भी जाना है और खाना वगैरह भी, आज कल फाइनली उनकी बेटी है, मतलब उस दिन लगन था और खाना था, आज जो क्लोज रिलेटिव है उनका खाना वगैरह है, तो हम निकल रहे हैं। तो ये जो घर है ना भैया, ये कोई कलेक्टर वगैरह ने बनाया, पर अभी मिल रही है। ये जो पेड़ है ना, इसको बोलते हैं भाई शेल्टर पेड़, मतलब यहाँ पे ये पेड़ जो थे वो है नहीं, ये एक यहाँ पे बहुत पेड़ थे यार, इतना दिल दुखता है ना, मतलब बिल्कुल देखो, मतलब सीधा सीधा काटा गया है, देखो भाई मैं बताऊँ, रुको कुंदनपुर की डेवलपमेंट देख के ना आंखें चौंध जाती है मेरी, क्यों, क्योंकि जो हमारे पहले एक्स MLA थे ना वो यही गई है भाई साहब, उन्होंने चमका दी कटे कुंदनपुर, एक नंबर कर दी। जस्ट हम कुंदनपुर आए तो फिर रुक गए, मतलब इधर भी वही था जहाँ मैंने लास्ट शॉट लिया था, उसके बाद घर आ ही गया था। ये जो है ये चेतना और असली घर है, सामने वाला ये रहा, और चेतना और जयपुर रहते हैं, माइग्रेशन जॉब्स वगैरह के चलते जैसे हम यहाँ आए ना नागपुर छोड़ गए, वैसे चेतना और ये कुंदनपुर छोड़ के जयपुर गए। ये वाला जो पोर्शन है चेतना और का है, नॉस्टैल्जिया हिट कर गया भाई कसम से, मतलब ये ना ये मेरी मौसी का घर तो है ही सही, बट ये ना भाभी सा है ना उनकी नानी साहब का भी घर है, मेरे मौसा जी की बहन की लड़की है मेरी भाभी साहब, सगे सगा रिलेशन है भाई। मैं कुंदनपुर से आ गया था घर पे, रम पी रहे भाई लस्सी, तो ये लस्सी भी मस्त लगती है यहाँ की। अरे हिमांशु इसकी प्राइस कितनी है? 30 रुपए की लस्सी है भाई, कभी आओ ना तो कभी ट्राई करना, मस्त लगती है। इसके पैसे हमारे बांटा देगा, बांटा मिल देगा ना? अरे जरूर जा रे जा। तो भाई हम वहाँ से भी आ गए, लस्सी वस्सी पी पा गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर आज का जो मेन कंटेंट है जो तुम थंबनेल देख के आए हो वो ये है कि भैया मैं करने वाला हूँ मेरा पोटला खाली, पोटला ये पोटला वो और ये सारी चीज़ें। मैं तुम्हें कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि कौन से गैजेट्स मैं अपने शूट के लिए यूज़ करता हूँ, कौन से गैजेट स्टोरेज के लिए, कौन सी चीज़ें हैं मेरे पास जिनसे मैं गेम खेल सकता हूँ, और कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इंडोर वीडियो बनाता हूँ तो लाइटिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये वाला पोटला खाली करते हैं अपन, ये वाला पोटला मेरे को सबसे ज़्यादा प्यारा है। सबसे पहली बात तो ये बैग का ही देख लो तुम, इस बैग की प्राइस है भैया 2900 रुपये, जो कि हमने करीबन आज से 3 या 4 साल पहले खरीदा था। कैसे ये मतलब अगर अपन और जगह से लेते तो सस्ता मिलता, अच्छा, लेकिन अपने कैमरे की दुकान से लिया तो महंगा पड़ा, पर कोई नहीं भाई, इस बैग की जो क्वालिटी है ना भाई, मतलब ये नमी में पड़ा रहता है दिन भर, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम ही नहीं आता, फिर भी ये पीछे से खुलता है। सबसे बड़ी बात तो ये कहाँ से खुलेगा, पीछे से। तो ये सारी चीजें ये नहीं दिखा सकता मैं नहीं दिखाऊंगा इसमें, वो मेरा कैमरा इसमें नहीं है। ओ भैया धोखा, ये तो नजर उसकी तरह, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन करो, तौबा तो इसमें बस एक लेंस है। तो भाई पहले इस लेंस को डिस्कस कर लेते हैं, ये 1855 लेंस, निकोन का लेंस है, ये निकोन कैमरे में लगेगा। ये जो है ये मैनुअल फोकस भी है और ऑटो फोकस भी है इसमें, तो ये काफी ज्यादा सही चलता है। तो भाई आ गया अपना कैमरा अपने पास में, ये है भैया मेरा बीस्ट, ये है
निकोन का D5600 और इसके ऊपर जो लेंस लग रहा है वो टेलीफोटो लेंस है 70-300 mm निकोर का। इसके जो रिजल्ट्स हैं बहुत तगड़े हैं, पर कैपेसिटी शॉट्स यूँ मान लो 800-900 फोटोज खींच लेती है मैनुअल पे आराम से, विद फ्लैश अगर खींचोगे तो 600-700। दूसरा आता है आईफोन खुद, आईफोन को मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि आईफोन से तो वीडियो ही रिकॉर्ड हो रही है। तो भाई ये है, इससे मैं करता हूँ फिर दूसरा, ये मतलब मेरा तीसरा ऑप्शन है वीडियो रिकॉर्डिंग का। जैसे फर्स्ट तो मैं आईफोन से प्रीफर कर ही रहा हूँ ब्लॉगिंग के लिए, तो दूसरा कभी कभी जैसे कैमरे से कर लिया। तीसरा है नथिंग टू, ये जो फ़ोन है ना इसका भी कैमरा है 50-50 megapixel का रियर का और 4K 60 FPS में आराम से रिकॉर्ड करने देता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस इसकी जो है ना वो शार्पनेस ज़्यादा है नथिंग की। आईफोन की जो वीडियोस होती है उसमें शार्पनेस तो है बट स्मूथनेस भी रहती है, इसमें शार्पनेस ज़्यादा है, फोटो अच्छा खींचता है पर वाकई। तीसरी चीज़ जो है भैया वो है माइक। ये खरीदे थे हमने केशव और मेरे और लक्की भैया के, तीनों के पैसे मिक्स हैं इसमें। एक ये शायद 2500 के आए थे हमारे किनारों के, डबल माइक है ये। इनकी रेंज जो है 20-30 meter की है, तो मतलब अगर आपका रिसीवर यहाँ पर है तो 20-30 meter आप किसी भी क्राइटेरिया में 360 degree घूम सकते हैं आराम से, ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। सॉरी ऑडियो रिकॉर्ड, ऑडियो और रिजल्ट भाई साहब एक नंबर है, मतलब अच्छा साउंड रिकॉर्ड करता है यार। ये जो तुम साउंड सुन रहे हो ये भी ग्रीन आरो का ही आ रहा है। अब आते हैं पोस्ट प्रोडक्शन वाले चीज पे, मतलब कि भाई अगर वीडियो बन गई तो उसके बाद क्या करना है। तो सबसे पहले मैं एडिटिंग प्रीफर करता हूँ कैपकट में। कैपकट में मेरे इतने हाथ साफ है ना, छोटी मोटी चीजें हैं तो वो तो 5-10 मिनट में ऐसे ही कर सकता हूँ मैं कैपकट पे। तो कैपकट पे हो गया, अगर आईफोन पे तो, अगर फिर भी नहीं हो रहा लैपटॉप, ये गेमिंग लैपटॉप है भैया हमारे पास में डेल G15। इसमें आप प्रीमियर प्रो चलाओ या प्रीमियर प्रो के पापा सब चलेंगे, बात तो सही है, वो भी बिना लेक करें। इसमें भैया जो ग्राफिक कार्ड है वो है निवेडिया का i5 है, हाँ इंटेल का i5। अब रही बात स्टोरेज की, तो स्टोरेज के लिए भैया अपने पास में ये सब सुना है तोशिबा 1TB 3500 rupees की थी ये। अब भैया आते हैं अपन गेम्स पे, तो ये जो है कंट्रोलर PS2 वाले USB कंट्रोलर से, तो ये इसमें इधर लग जाएंगे। जिन जिन ने PS2 PS1 PS3 में तो लगा थे, PS3 में तो लगाने लग गया था कंट्रोलर, तो PS1 और PS2 खेला है वो ये इस कंट्रोलर को जानते होंगे भाई। PC कंट्रोलर ये रहे, एक तो Xbox का मैंने बता ही रखा है तुम्हें, फिर भी मैं बता देता हूँ जो लोग नए व्यूअर हैं इस वीडियो पे। ये है Xbox का कंट्रोलर जो मैंने सेकंड हैंड लिया था 3500 rupees में। इसमें जो सेल है हमारे पास में वो रिचार्जेबल है, कि तो तुम नए खरीद लो, बार बार नए खरीदो तो उसका खर्चा तो मेरे को बहुत ज्यादा ही लगा। तो हमने क्या करा, सेल जो थे वो ही मंगा लिए रिचार्जेबल। उसमें क्या होता है मतलब ना चार्ज खत्म होगा उसको, सेल को ही चार्ज कर लो वो लग जाएगा, यहाँ बैटरी की तरह सिस्टम हो गया। ये वाला जो है ये हमने 950 rupees में खरीदा था, जाने कितने में बेच रहा था योगेश, पर हमने 950 ही लगाए थे इसके, 1100 rupees मांगे थे। रेड गियर रिचार्जेबल है, ये रिचार्जेबल रेड गियर का है ये। अब आ जाते हैं भैया बात अपनी किसके ऊपर, कि जब लाइटिंग, जब मैं इंडोर वीडियो शूट करता हूँ लाइटिंग क्या यूज होती है। ये है भैया बिग डीपर की LPC007 और ये जो है ये है RGB, मतलब इसके कलर्स चेंज होते हैं रेड ग्रीन ब्लू। अब इसको चला के बताता हूँ मैं तुम्हें, देखो आपके ऊपर फोकस आएगा। अब इसके कलर्स चेंज करूँ, देखो इधर देखो, अब इसके कलर्स चेंज करते हैं ठीक है। ग्रीन, ब्लू, वाइट, फिर से रेड। अब इसमें भी मोड है, सुनना इसमें भी मोड है, देखो बदला, देखो अब देखो या ये टुन 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 टुन। ओ भैया धोखा भाई, बहुत हार्ड होती है इसकी लाइटिंग, हवा निकल गई। कभी भी इसको जब भी यूज करूंगा ना इसको बैकग्राउंड में रख दूंगा इधर जैसे, तो इसको बैकग्राउंड में ऊंचा करके रख देता हूँ तो बैकग्राउंड पूरा चौंध दिया जाता है, मजा आ जाता है कतई। की लाइट के लिए मेरे पास में भैया सतुना है, ये सबसे तगड़ा टिकटॉकर्स की वो होती है ना रिंग लाइट, उसकी तरह ही है बट ये उससे भी खतरनाक है। इसे ऐसे आती ना ये, तो इसको कभी भी ऐसे ही सीधे ही नहीं आने देता मैं, इसके ऊपर एक बार रुमाल की लेयरिंग लगा लेता हूँ। वाइट हमेशा वाइट ही लगाओ, जब भी वीडियो रिकॉर्ड करो ना तो वाइट ही लगाओ, ताकि उसको कम कर देगा इफेक्ट को और दूसरा कलर नहीं आएगा तुम्हारे चेहरे पे। अब देखो तो ये ऐसे आता है, तो ये की लाइट की तरह यूज़ करता हूँ मैं। और की लाइट कभी भी देखो सीधे एंगल से नहीं लगाई जाती, या तो यूँ आती है कभी भी, और या तो यूँ आएगी या यूँ आएगी। तो भैया ये था मेरा सेटअप, कैसा लगा तुम्हें ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर मेरी सच में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखनी हो जो मैंने इससे की थी, तो इंस्टा पे फॉलो करो भाई और स्क्रॉल डाउन करके मेरे पोस्ट देखना, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। और मेरा जो यूज़र नेम है ये रहा।
और डिस्क्रिप्शन में तो लिंक रहता ही है। हमारे पास में एक एजुकेशनल चैनल भी है, माना हमने उससे बहुत दिनों से एक्टिव नहीं किया, मतलब लकी भाई उस पर वीडियोज़ डालते हैं 10th 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश, कभी कभी SST की भी वीडियोज़ डल जाती है उस पर, तो ज़्यादातर तो इंग्लिश की डलती है, तो उसे भी सब्सक्राइब कर देना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में और चैनल का जो नाम ये रहा उसको भी जाके सब्सक्राइब कर देना। अभी बच्चे क्लास में करते हैं भाई बच्चे से।